आज हम बनाएंगे साबुत मूंग के मसाला पूरी। इसे आप ब्रेकफास्ट में, डिनर, लंच या कोई त्यौहार में आसानी से बना सकते हैं। ये पूरी बहुत ही खास्ता और स्वादिष्ट होती है। ये पूरी इतनी टेस्टी होती है, इसमें आपको पूरी कचौड़ी दोनों का स्वाद मिलेगा। तो बनाना शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1.5 कप के करीब यहाँ पे साबुत मूंग ओवरनाइट भिगोया हुआ हमने यहाँ पर लिया है, जिससे हम ग्राइंडर में इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 अदरक के टुकड़े, लहसुन के कुछ कलियाँ और हरी मिर्च 4-5 डाल के हल्के से पानी डाल के, 1/2 कप पानी डाल के इसका हम पेस्ट महीन तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छे से इसके ग्राइंडर में पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक बड़े से बाउल में यहाँ पे हम सबको डाल ले रहे हैं। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने। यहाँ पे हमने 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल यूज किया है, 1/2 चम्मच जीरा, रोस्टेड मिर्च पाउडर चुटकी भर, अजवाइन थोड़े से हाथ पे मसल के थोड़े से चुटकी भर के करीब मंगरेला इसमें डालेंगे, और कसूरी मेथी को हाथ पे मसल के इस तरह डालें। कसूरी मेथी से कचौड़ी का स्वाद डबल हो जाता है। यहाँ पे बारीक कटे हुए धनिया पत्ता को ऐड करेंगे। यहाँ पे 400 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है। इससे पहले हम सारे मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे, जितने भी इसमें मसाला हमने ऐड किया है, कसूरी मेथी है, सब रिफाइंड ऑयल अच्छे से सब मिल जाए, कहीं ये नहीं कि नमक ज़्यादा रह जाए। सबको अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े करके इसमें हम आटा डालेंगे, और पूरे इसी मसाला में ही हमें आटा को गूंथ के तैयार कर लेना है। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, अच्छे से इन सबको मिला के हमें सख्त डो तैयार कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे गीला नहीं रखना है, सख्त डो तैयार करना है। अब इसे रेस्ट के लिए हम 10 मिनट के करीब ढक के रख देंगे। तब तक इधर तलने के लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हमने रिफाइंड डाल दिए। आप चाहें तो जिस ऑयल की यूज करते हैं खाने में, आप उसमें बना सकते हैं, बट सरसों तेल का यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसका एक अलग अपना टेस्ट होता है, जो कि कचौड़ी को ख़राब कर सकता है, बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी। तो इससे आप रिफाइंड में, घी में, बटर में, जिस चीज़ में बनाना चाहें, बस सिर्फ सरसों तेल को छोड़ के उसमें आप नहीं बनाएंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी होती है। इससे आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका डो तैयार करके एक डब्बा में या टाइट डब्बा में इसे फ्रिज में रख सकते हैं। आप 1 वीक के लिए इसे रख के, और जब खाना हो गर्मा गर्म कचौड़ी बनाएं, खाएं, बच्चे को टिफिन में दें, या कहीं भी ले जाना हो सफ़र के लिए, तो आप इस कचौड़ी को बनाएं और सफ़र में ले जाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी होती है, और लास्टिंग भी इसकी बहुत ही खास्ता बनती है। यहाँ पे गैस फ्लेम को ना लो रखेंगे ना हाई रखेंगे, मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे, जिससे हमारी कचौड़ी अच्छी सी फूली फूली अच्छी सी बने। और इसे हल्के हल्के इसे चलाते हुए पलट के सबको अच्छे से पकाएंगे कि गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे, पलट देंगे कि अंदर तक सीख जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कचौड़ी हमारी बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो दाल भी, छिलके वाली दाल मूंग का ले सकते हैं, क्योंकि दाल में फाइबर होती है, जिससे हमारी कचौड़ी एकदम करारी और खास्ता बनी रहती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करें फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। हमारी कचौड़ी कम समय में, कम सामान से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, झटपट में तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में फ्रिज से इसका डो आटा निकालें और झटपट में इसे कचौड़ी बनाएं और तैयार करें फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप सब्जी के साथ, चटनी के साथ, रायता के साथ, हरी मिर्च, प्याज, अचार, जिसके साथ खाना चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कमाल, बहुत ही टेस्टी है मूंग दाल मसाला पूरी। इसे जब आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, सभी को बेहद पसंद आएगा, बच्चे बड़े सबको बेहद पसंद आएगा। और मैं यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ कितना खास्ता और कितना कुरकुरी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इससे आप स्टोर कर सकते हैं, तैयार किए हुए कचौड़ी को आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, 4-5 दिन तक बिल्कुल एकदम टेस्टी बनी रहेगी, बहुत ही खास्ता, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। इस साबुत मूंगफली जितनी टेस्टी है, उससे कहीं ज़्यादा ही हेल्दी है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होती है और छिलके में फाइबर। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है, और सफ़र के लिए तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ आप किसी चीज़ में थोड़े से अचार रख लें और बस
सफर हो जाएगी आसान। इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, सभी को बेहद पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आगे भी ऐसी रेसिपी चाहते हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। घर पे काम ज़्यादा हो, अचानक से घर पे मेहमान आ जाए, तो इस ट्रिक से एक साथ ज़्यादा ज़्यादा कचौड़ी तलने का ट्रिक, एक साथ बड़ा रोटी तैयार कर लें एक, और गिलास से सबको कट लगा के एक साथ 8-10 पूरी झट से निकाल लें। झटपट में तैयार की हुई कचौड़ी देखिए कितनी क्रिस्पी, कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।